हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट, वे टू सक्सेस। आई एम योगेश शर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस पॉइंट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो ये आपकी 65th क्लास है, ओके। और क्लास आपकी आईबीएस कोटा स्टैंड एग्जाम के लिए चलाई गई है, तो जिस भी बच्चे ने इन क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन में टैप करना होगा, ताकि जैसे क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ गए क्लास हो, एक बार वॉइस और वीडियो अगर सब क्लियर तो बता दीजिए, बफरिंग की अगर किसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तो भी बता दीजिए, ठीक है। अगर बफरिंग की प्रॉब्लम है तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। ये क्लास आपकी 65th क्लास है और क्लास आपकी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम के लिए चलाई गई, ठीक है। जो आप एग्जाम आपका 17 फेब कौन है, तो अगर आप इन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। सब क्लियर है? अगर आपके साथ किसी के साथ बफरिंग की प्रॉब्लम है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, फिर क्लास की तरफ चलते हैं, ओके। तो ठीक है, बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। 2018 में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे वो सभी आपके यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के अवार्ड्स की, ठीक है। मतलब दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो किया जाता है दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड, ठीक है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये पूरा, और इसके द्वारा इन अवार्ड्स को दिया जाता है। तो जो कि 2018 में हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो दिए गए हैं। तो अक्षय कुमार को दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है। और जो मूवी है पैडमैन या फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये दो मूवी है, इन मूवीज़ की वजह से बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है अक्षय कुमार को, ठीक है, ओके ओके, क्लियर है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड। जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो मिला है सोनम कपूर को, वो भी किसमें, लीडिंग रोल में। लीडिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सोनम कपूर को, और मूवी पैडमैन मूवी के लिए ही मिला, पैडमैन मूवी के लिए ही अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है सोनम कपूर को, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट भूमि पेडनेकर को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल में है कौन, सोनम कपूर, पैडमैन मूवी के लिए, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के लिए मिला है भूमि पेडनेकर को, गॉट इट, ठीक है। अब जिन बच्चों की डिमांड है कि इंग्लिश हिंदी में क्यों नहीं लिखा हुआ, मैं बताता हूँ, ये चीज़ें आपकी जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी में सेम ही रहेंगी। हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ के साथ, तो या तो आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अगर कॉपी पेन लेके बैठे तो आप कॉपी पेन में साथ के साथ इनको लिखते रहिए, ठीक है। अदरवाइज पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूँगा, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहो तो वहाँ से पढ़ लेना, गॉट इट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो मिला है राकेश रोशन को, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम बात करें सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस लाइफ टाइम अवार्ड जो मिला है वो मिला है फरीदा जलाल को। ये मूवीज़ के लिए नहीं होती, ठीक है, इसमें मूवी मेंशन नहीं की जाती कि किस मूवी के लिए मिला है, लेकिन जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिला है राकेश रोशन को, और फरीदा जलाल को मिला है सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, ओके। देन नेक्स्ट मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस अवार्ड का जो मिला है वो मिला है मनीषा कैराला को, गॉट इट। देन इसके बाद हम बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की बात करते हैं। तो म्यूजिक की फील्ड में जो अवार्ड मिला है वो मिला है अरविंद पारिक को, ठीक है, और ये किस लिए मिला है, हिंदुस्तानी क्लासिकल सितार प्लेयर का। हिंदुस्तान जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सितार है
उसके वजह से मिला है, और म्यूजिक की फील्ड में है, और वो मिला है अरविंद पारिक को। गॉट इट? क्लियर है ना सभी को अभी तक यहाँ तक? ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम थिएटर की फील्ड में। जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो मिला है राम गोपाल बजाज को। ओके, और एक्टिंग एंड डायरेक्शन की वजह से इनको मिला है। क्वेश्चन ये आ सकता कई बार कि संगीत नाटक अकादमी का जो थिएटर फील्ड का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, या फिर बोलेगा कि राम गोपाल बजाज को थिएटर की फील्ड में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है वो किस वजह से मिला है, तो वो मिला है एक्टिंग एंड डायरेक्शन। ओके, ये इनका रीजन है, ये फील्ड है, और ये नाम। ओके, नेक्स्ट है, इसी में डांस की फील्ड में मिला है सुनील कोठारी को। ठीक है, और किस वजह से? इंडियन क्लासिकल डांस की वजह से। गॉट इट? द नेक्स्ट बात करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण की, इट इज़ द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत का दूसरा हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट है कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न फर्स्ट है, और सेकेंड है पद्म विभूषण। ठीक है, 2018 में, 2018 में भारत भूषण से किसी को नहीं नवाजा गया। गॉट इट? यादव राज, हाँ, एग्जाम जो आपके पिछले हुए हैं वो इंग्लिश में हुए हैं, और इस बार भी मैं आपको कहता हूँ एग्जाम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एग्जाम इंग्लिश में ही मान के चलो कि आपका एग्जाम है इंग्लिश में होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं हिंदी में होगा, हम तो हिंदी में तैयारी करेंगे। तो कंटेंट मैंने आपको कुछ क्लासेस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जो एग्जाम है वो आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो आपका इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, अभी ये श्योर नहीं हो चुका हो पाया है। ओके, तो नेक्स्ट है पद्म विभूषण की हम बात करते हैं। तो इलैयाराजा को मिला है आर्ट और म्यूजिक की फील्ड में, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट गुलाम मुस्तफ़ा खान को मिला है आर्ट और म्यूजिक में, ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। देखो, तो ये चीज़ जो एक स्टैटिक जीके का एक पोर्शन बन जाता है ये, और करंट अफेयर का एक सेक्शन आज हम कवर कर रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, तो इनको आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, याद करना होगा। ठीक है, अगर याद, आप बिल्कुल एक लंबी छोटी लिस्ट होती है ये एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार वहाँ से पूरी पीडीएफ में नज़र लगा देना कि कौन सा अवार्ड किसको मिला और किस वजह से मिला है। ओके, तो हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण में आर्ट और म्यूजिक में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इलैयाराजा को मिला है। द नेक्स्ट गुलाम मुस्तफ़ा खान को मिला है इसी फील्ड में, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, गॉट इट? इसके बाद नेक्स्ट है आपका परमेश्वरम। परमेश्वरन को लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में मिला है, और केरला से ये बिलोंग करते हैं। ओके, गॉट इट? ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद आगे पद्म भूषण की। ठीक है, फर्स्ट पे भारत रत्न, सेकंड कौन सा हाइस्ट है? पद्म विभूषण, और थर्ड नंबर पे पद्म भूषण। ओके, ये थर्ड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। तो इसमें जो पहला नाम है वो आपका पंकज आडवाणी का है। ठीक है, पंकज आडवाणी को स्पोर्ट्स की फील्ड में मिला है बिलियार्ड्स। ओके, बिलियार्ड्स गेम की वजह से, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ओके, इसके बाद फिलिप्स मैर को, क्रिस्टोम को मिला है, ये मतलब अदर फील्ड है, कोई फील्ड इसकी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, वैसे अगर बात आई तो वो है आपका स्पिरिटोलॉजियम। ठीक है, केरला से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट महेंद्र सिंह धोनी। ओके, फॉरेन कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, स्पोर्ट्स से, क्रिकेट स्पोर्ट्स से इनको मिला, झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे अलेक्जेंडर कैडेकिन की। ये एक फॉरेनर है, ठीक है, विदेशी हैं, पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में इनको दिया गया, पब्लिक अफेयर्स की फील्ड की वजह से इनको दिया गया ये अवार्ड। और कंट्री अगर पूछे तो कंट्री है रसिया। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट है रामचंद्रन नागस्वामी। एक रामचंद्र नागस्वामी को मिला है, ये भी जो फील्ड है इनकी अदर्स में आती है, अगर बात करें कि किस फील्ड में, तो वो आपका आर्कियोलॉजी। ओके, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। जो देखो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बन सकते हैं ना, तो वो सभी आपके कवर कराए जाएंगे यहाँ पे। जितने भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस बनाने की, वैसे तो देखो मेन मेन जो चीज़ है वो बच्चे उनको रट्टा लगा लेते हैं कि वो अवार्ड उसको मिला है, वो अवार्ड उसको मिला है, लेकिन कई बार वो पूछ लेता कि वो कहाँ से बिलोंग करता है या फिर किस फील्ड में मिला। ठीक है, तो मैक्सिमम जो चीज़ें आपकी कवर करा दी जाएंगी। गॉट इट? द नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका वेद प्रकाश नंदा। ठीक है, वेद प्रकाश नंदा को जो फील्ड है वो है लिटरेचर एंड एजुकेशन, मतलब साहित्य और शिक्षा।
सहायता और शिक्षा की फील्ड में इनको दिया गया है और ये यूएस से बिलोंग करते हैं। ओके नेक्स्ट आपका लक्ष्मण पाई, आर्ट और पेंटिंग की फील्ड में गोवा से बिलोंग करते हैं। अरविंद पारिक आर्ट म्यूजिक की फील्ड में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ओके शारदा सिन्हा सेम फील्ड लेकिन बिलोंग कहाँ से करते हैं, बिहार से। ठीक है क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, बता दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ को समझने में तो वो बता दीजिए, फिर से समझा दूँगा। इसमें समझाने का इतना कुछ खास नहीं है, ये आपको रीड आउट करना होगा, पूरा पूरी लिस्ट से आपको निकलना होगा। ओके काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मेन मेन आपके मैं यहाँ पे आपको साथ डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, और बाकी बचे हुए आप PDF से पढ़ लेना या फिर आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज़ अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप लिखते रहो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा आपका वो है पद्मश्री। ठीक है फर्स्ट पे भारत रत्न, और अब बात करें फोर्थ हाईएस्ट सिविल अवार्ड की। ठीक है इंडिया का चौथे नंबर पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है, लगभग 74 की लिस्ट है। ठीक है लेकिन जो मेन जो टॉप 10 हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है 74 पीपल्स को मिला था ये। फर्स्ट है आपका अभय बैंग, ठीक है जो मेडिसिन महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है मेडिसिन की फील्ड में इनको मिला है, जिसको अभय बैंग को। ठीक है रानी बैंग को भी सेम फील्ड में महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं भी। ओके इसके बाद दामोदर गणेश बैपत, सोशल वर्कर हैं। ओके और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, गॉट इट। ओके ओके ठीक है, तो नेक्स्ट आपका प्रफुल्ल गोविंदा भरुआ। ठीक है लिटरेचर मतलब साहित्य एंड एजुकेशन और शिक्षा। ठीक है साहित्य और शिक्षा की फील्ड में इनको अवार्ड मिला है ये, और असम से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट आपका मोहन स्वरूप भाटिया, मोहन स्वरूप भाटिया आर्ट फोल्क म्यूजिक की फील्ड में इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, और ये यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका सुधांशु विश्वास, सोशल वर्कर हैं और वेस्ट बंगाल से इनको ये बिलोंग करते हैं। ठीक है गॉट इट। देन नेक्स्ट आपका सेकोम मीराबाई चानू, स्पोर्ट्स से वेट लिफ्टिंग जो स्पोर्ट है उससे ये उस फील्ड में इनको दिया गया। ठीक है स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया है, और स्पोर्ट्स में कौन सी फील्ड, वेट लिफ्टिंग की, और बिलोंग कहाँ से करती है, मणिपुर से, गॉट इट। देन है आपका पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। देखो क्लास से आपको हल्का सा थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग लग रही हो, क्लास हो सकता है आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन ये जो पोर्सन है करंट अफेयर्स का, अवार्ड्स का लगा लीजिए या फिर अपॉइंटमेंट्स का, इसमें आपको नाम याद रखने होंगे, और ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन भी बना सकता था मैं, लेकिन क्वेश्चन फिर आपके 100+ क्वेश्चन होते और आप उनको फिर आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है लेकिन अवार्ड्स एंड ऑनर्स से जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम, जब प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके वहाँ पर कवर करवा दूँगा यहाँ से। ओके लेकिन एक बार जरूर ये पूरी लिस्ट में से आपको थ्रू आउट होना। ठीक है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की, साहित्य और शिक्षा सेम जर्नलिज्म और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है जोसमा जॉय कॉन्सेप्टन थर्ड, ये एक विदेशी हैं। ओके और ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड में इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है और बात है कि किस देश की हैं, तो वो हैं फिलीपींस, गॉट इट। देन है आपका नेक्स्ट लैंग पोकलपम सावधानी देवी, आर्ट एंड वेविंग की फील्ड में और कहाँ से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से। टोटल जो आपकी लिस्ट थी ये 74 की है, लेकिन जो टॉप 10 है मतलब जहाँ से पूछ सकते हैं वो सब आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, गॉट इट। कहीं कहीं आपको देखने को मिला होगा कि 10 मिनट की वीडियो में बोलते हैं कि इनसे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है लेकिन जो लिस्ट होती है काफ़ी लंबी होती है, तो 10 मिनट की वीडियो में आप मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन 20-25 क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी कि वो इन उन्हीं में से पूछेगा, वो थोड़ा सा मतलब मिसगाइड ना हो, पूरी लिस्ट से आपको
निकलना चाहिए कि पूरी लिस्ट आपके सामने हो, एक बार सभी का आपको पढ़ना चाहिए कि हाँ अभी कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं और किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो इसी वजह से ये जो क्लास है आपकी मैं छोटी रखूँगा, इसको दो पार्ट में करेंगे हम, ओके, क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है, एक साथ इतना कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, उसको समझ याद रख पाना, ठीक है। तो दो क्लासेस में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, आधी आधी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड की, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड तो जो असम लैंग्वेज से जो मिला है वो मिला है सनंता तंती को, ठीक है। और जो वर्क था मतलब टाइटल है, किस वजह से उन्होंने एक पोइट्री लिखी, एक कविता लिखी जो है केल्योर टिंटो अमर होबो, ओके। असम लैंग्वेज में जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो मिला है सनंता तंती को। द नेक्स्ट बात करें हम बंगाली की, तो वो मिला है श्री कृष्ण शेष काटादिन, एक स्टोरी लिखी है, और यो मिला है जो मिला है संजीव चट्टोपाध्याय को, ओके, संजीव चट्टोपाध्याय को। देखो न्यू अपॉइंटमेंट्स पे पूरी जो आपकी लिस्ट है, एक पूरी क्लास में कर चुका हूँ न्यू अपॉइंटमेंट पे से, ठीक है। पूरी इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स थी उन सभी पे हम क्लास हो चुकी है आपकी, और पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, तो एक बार वहाँ से पढ़ लेना उनको। 2018 की सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं हम। तो उसके बाद हम बात करते हैं बोडो लैंग्वेज की, तो वो है आपका जो एक छोटी सी इसी स्टोरी है ड्वेंगजी ल्यामा, और ये मिला है ऋतुराज बस मोटारी को, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डोगरी लैंग्वेज से जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो मिला है इंद्रजीत केसर को, एक नॉवल लिखी जिसका नाम है भागीरथ, ओके। इंग्लिश से मिला है वो एनिस सलीम को मिला है, और किस वजह से मिला है जो टाइटल है इनके काम का वो क्या रहा, द ब्लिंड लेडीज डिस्कैंडेंट्स, ओके। देन गुजराती से वो मिला है सरफिया विजवाला को, ओके, सरफिया विजवाला को, और टाइटल ऑफ वर्क क्या रहा, एक ऐसे लिखा इन्होंने, ऐसे था वो है आपका विभाजन व्याथा, ठीक है। हिंदी से मिला वो मिला है आपका चित्रा मुद्गल को, और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नौला सोपारा, ये इनके वर्क का टाइटल रहा। इसके बाद कन्नड़ भाषा की हम बात करें तो वो है अनुश्री यचमेकनी के, इनका टाइटल ऑफ वर्क था, और मिला किसको, के जी नगरप्पा को, ओके, के जी नगरप्पा को। जनवरी की इंपॉर्टेंट नहीं है, जनवरी की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो दिसंबर 2018 तक की ही इंपॉर्टेंट आपकी रहेंगी, दिसंबर 2018 तक की ही आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो जनवरी की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, कन्नड़ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। कश्मीरी जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो मिला है मुश्ताक अहमद मुश्ताक को, और जो टाइटल ऑफ वर्क था वो है आँख, एक छोटी सी स्टोरी है वो, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है आँख, ओके। कौनकड़ी साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो वह परेश नरेंद्र कामत, देखो ये सभी लैंग्वेज में मिलता है, 22+ होते हैं आपके, ठीक है। तो कौनकड़ी की है वो है, वो मिला किसको, परेश नरेंद्र कामत को, और जो टाइटल ऑफ वर्क है एक पोइट्री का रहा इनका, वो है चित्रलिपि, ओके, चित्रलिपि, ठीक है। नेक्स्ट मैथिली भाषा की हम बात करें तो परिणीत नीता एक इनकी छोटी सी स्टोरी थी, परिणीता, और वो मिला है बीना ठाकुर को, ओके, ठीक है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं मलयालम में, मलयालम में जो मिला वो मिला है एस रामशिन नायर को, और जो टाइटल ऑफ वर्क था पोएट्री के लिए मिला है, और पोएट्री का नाम क्या है, वह है गुरु पूर्णमी, ठीक है, गुरु पूर्णिमा, ये शायद गुरु पूर्णिमा होगा, ओके, थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, गुरु पूर्णिमा पोएट्री है इनकी, उसकी वजह से मिला है इनको एस रामेशन नायर को, गॉट इट। देन नेक्स्ट बात करें मणिपुरी की, तो मणिपुरी में जो मिला है वो मिला है बुद्धि चंद्रा हेनसामा को, और जो टाइटल ऑफ वर्क था वो है इनका नगामे के वेंगाड़ा, एक छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी पे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मराठी लैंग्वेज की, तो मराठी में जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो मिला है मा सु पाटिल को, ठीक है, और जो टाइटल ऑफ वर्क है लिटरेसी क्रिटिसिज्म का इनका वर्क रहा, और जो टाइटल था वो क्या था, सर्जन प्रेरणा अनि कविट वासौद, ओके, दी बाज 2017 के अवार्ड। देखो जो आपके IIFA अवार्ड होते हैं या फिर फिल्म से रिलेटेड जितने अवार्ड होते हैं ना, एक बार उन पर नज़र लगा लेना आप, हालांकि मुश्किल है वो, 2017 के पूछेगा, जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक के करंट अफेयर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ओके।
हाँ दिल्ली सेंटर वाले बच्चों के अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हुए हैं, ठीक है। दीपक कुमार जो दिल्ली से जिन्होंने अप्लाई किया था उनके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हुए हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, मराठी तक हम कर चुके हैं, ओके। नेपाली की अगर हम बात करें नेपाली भाषा से, तो वो मिला लोकनाथ उपाध्याय को, ठीक है। और किस लिए, एक ये भी शॉर्ट स्टोरी था, इनका जो टाइटल ऑफ वर्क है वो है कीना रॉय ओपामा, ठीक है। वो देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि ओडिया साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो किसको मिला है आपको नाम देना है उनका, वो है नुसरती दास। लेकिन पूछे कि किस लिए मिला है या जो उनका टाइटल ऑफ वर्क था वो क्या था, तो वो लिटरेसी क्रिटिसिज्म, ओके। और किससे जो नाम पूछ ले तो किस साहित्य फिर किस काम के लिए, तो उन्होंने जो लिट साहित्य लिखा क्या था वो, प्रसंगा पुराना बवाना नुआ, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट पंजाबी की अगर हम बात करें तो पंजाबी में मिला है मोहनजीत को, और वो है कौन दा सूरज, पोइट्री एक कविता है कौन दा सूरज, इस वजह से इनको मिला ये अवार्ड, ओके। राजस्थानी की हम बात करें तो वो है राजेश कुमार व्यास को मिला है, ये भी पोइट्री के लिए, और वो कविता देवी डिथ, पोइट का जो कविता है उसका क्या नाम था, कविता देवी डिथ, ओके गॉट इट। इसके बाद हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत भाषा में जो ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो मिला है रामकांत शुक्ला को, रामकांत शुक्ला को। शिवम विज जीके के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सब आपके कवर कराए जा रहे हैं साथ के साथ। जतिन मिश्रा क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है। नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा जब भी क्लास स्टार्ट होगी, उसका ग्रुप में मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए वो जो PDF को पाना चाहते हैं, या तो आप देखो इनके साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हो तो आप PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए लिंक को, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और PDF आपको वहाँ पर हर जितनी भी क्लास हैं सभी क्लासेस की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं संताली भाषा में, ठीक है। ये मिला श्याम बसरा जीवी रैरेक को, मैरोंग नॉवल के लिए इनको मिला, ठीक है। सिंधी की हम बात करें तो किमान यू मुलानी, और वो जो टाइटल ऑफ वर्क है पोइट्री का ही रहा, वो है जिया में टंडा, ठीक है, ओके। देन तमिल की बात करें तो एस रामाकृष्णन को मिला है नॉवल के लिए, और वो नॉवल क्या थी उनकी, नॉवल जो है वो है संचरम, ठीक है, संचारम, संचारम नॉवल रही, और वो है एस रामकृष्णन। तेलुगु की बात करें तो तेलुगु में मिला है ये कोलाकल्लूरी इनाच को, ठीक है। और एसे के लिए मिला है, और एसे वो है उनका विमर्शिनी, ठीक है, विमर्शिनी एसे इन्होंने लिखा तेलुगु भाषा में, और उसके लिए तेलुगु का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो इनको मिला, ठीक है। उर्दू की हम बात करें तो उर्दू में रोहजिन नॉवल के लिए मिला है रहमान अब्बास को, रोहजिन एक नॉवल है, नॉवल का नाम है, ठीक है। दीप बाज जनरल साइंस पे आपके लगभग लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, ठीक है, फिजिक्स से भी 70+ थे, केमिस्ट्री से भी मतलब ओवरऑल आपके लगभग 300 के आसपास जनरल साइंस पे क्वेश्चन बैंक मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैथ्स में एडवांस आपका इतना नहीं आना, तो एडवांस के लिए इतना ना घबराएं, ठीक है। मैथ्स में जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आप मान के चलो, और 2D ज्योमेट्री एंड मेजरेशन, ठीक है, ज्योमेट्री से नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेगा वो तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, और इसके साथ साथ सर्कल की जो आइडेंटिटीज है यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। एडवांस में ज़्यादा नहीं पूछेगा, दो तीन क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप आसानी से उसको कर लोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ तक की, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और हैं, ओके, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। आज की जो क्लास है वो काफ़ी लंबी होगी, फिर बच्चों को परेशानी होती है एक साथ इतने नाम याद रखने, इतने नामों के बारे में सुन के, फिर वो एक खिचड़ी सी पक जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्लास को इतना ही रखेंगे। सागर शर्मा ग्रुप में ऐड कैसे होना है उसके लिए आपको लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको फॉलो कर लीजिए, आप वहाँ से आसानी से ऐड हो सकते हो। तो क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से याद नहीं रह पाएगा बाकी, ठीक है। शुभम जो एग्ज़ाम है वो आपके पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं वो आपके सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हुए हैं, और आप इतना मान के चलो कि इस बार भी इंग्लिश में ही होगा, ठीक है, ओके। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो बता दीजिए एक बार, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, थम्सअप कर दीजिए जल्दी से, फिर बाकी अगली क्लास की तरफ मूव करते हैं।
ओके यहाँ तक जितना आज करवाया हो क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में बाकी कुछ लिस्ट बची है। ओके देखो वैसे काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो धीरे धीरे करेंगे हम। ओके दो क्लासेस में इसको पूरा कवर कर लेंगे, एक साथ अगर कहो तो एक साथ भी करवा देते हो, लेकिन फिर आपका फिर क्या होगा, आपको ना प्रॉब्लम होगी। थैंक्स। ओके तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर वेल विशर, गुड लक, सक्सेस पॉइंट।